हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ मनाली उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स डिपार्टमेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है शेयर्स के ऊपर। शेयर्स के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंश पूंजी। तो शेयर कैपिटल एक फंड के रूप में एक कंपनी में काम करती है, जो कि हमारे कंपनी को किस तरीके से, हमारे जो भी खर्चे हैं कंपनी के, उनको किस तरीके से कंपनी यूज़ करे, ये उन फंड्स में से निकालती है। अब ये फंड्स कैसे आते हैं, तो जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं और जो हमारे जनरल शेयर्स हैं, उन शेयर्स को बेचकर जितना भी हमारे पास पैसा आता है वो हम उस फंड के रूप में उसमें रखते हैं, जिसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरी होती है कॉल्ड अप कैपिटल, तीसरी होती है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल, फोर्थ होती है पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई जाती है कि कंपनी को रजिस्टर्ड होने के लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। जितनी कैपिटल की ज़रूरत होती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसे बता दिया जाता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन इतने से होगा, उसी कैपिटल को हम अपने शेयर्स में यूज़ करते हैं। दूसरी होती है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल के अंदर हम जितना भी पैसा जनता से मंगाते हैं अपने शेयर्स को खरीदने के बदले, उन सभी पैसे को हम एक साथ नहीं मंगा सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें तीन कॉल्स दी जाती हैं। कंपनी हमें क्या देती है, तीन कॉल्स देती है। वो तीन होती है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल। इन तीन कॉल्स के आधार पर हम अपने बचे हुए पैसे को वापस मंगा सकते हैं। ये होती है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। थर्ड होती है हमारी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है कि जितना भी पैसा जनता दे रही है आपको, उस हिसाब से हम अपने कैपिटल को यूज़ कर रहे होते हैं। लास्ट होती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है कि जितना भी कंपनी मार्केट में शेयर्स को इशू कर रही है, कितने शेयर्स पब्लिक ने खरीदे हैं, उन सभी को सब्सक्राइब्ड कैपिटल में लिया जाता है। और जितना भी बैलेंस बच जाता है जो हमारा सब्सक्राइब नहीं हुआ, यानी जितने भी शेयर्स हमारे नहीं इशू किए गए हैं, जितनी भी सब्सक्राइब कैपिटल यूज़ की गई है, उसके बैलेंस जो बचता है वो कहलाती है हमारी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, दैट इज़ शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं, हमारी कंपनी की जो कैपिटल होती है उसके छोटे छोटे पार्ट्स कंपनी कर देती है। तो जब भी कंपनी को अपने फंड्स रेस करने होते हैं, जैसा कि मैंने शेयर कैपिटल में बताया, उन सभी फंड्स को रेस करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने इन छोटे छोटे पार्ट्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कि लोग उन्हें परचेज करें और अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकें। हम जब बात करते हैं शेयर्स की, तो पूरे शेयर्स तो नहीं हो सकते। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, शेयर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इक्विटी शेयर, सेकंड वन प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स उनकी कैटेगरी में आते हैं जो कंपनी के ओनर्स के कैटेगरी में रहते हैं, जो कि हम मीटिंग्स में देखते हैं, जो मीटिंग अटेंड करते हैं, जो अपना डिसीजन देते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, ये सभी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में आते हैं। पर इसके साथ इनका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इन्हें जो डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड मतलब क्या होता है कि हमारी कंपनी जितना भी प्रॉफिट ले रही है उसका कुछ पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो ये जो प्रॉफिट का पोर्शन हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। इस डिविडेंड को जब इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, जिसका फिक्स रेट होता है, पर कब देना है ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तब उसको पे करेगी, लेकिन कब पे करेगी इट्स डिपेंड ऑन कंपनी। उसका जो रेट है वो डिसाइड करता है डायरेक्टर कि किस रेट पर मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को अपना पैसा देना है। दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करने का कोई भी नियम नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट लेता है। इसके लिए उसको दो चीज़ें बोली जाती हैं कि पहला, यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका प्रॉफिट दिया जाएगा। दूसरा, यदि कंपनी बंद होती है तो उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जितनी कैपिटल उस कंपनी में लगाई है वो पूरी कैपिटल उसको वापस दी जाएगी।
तो हमने बात करी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन हुए। मैं फिर से अगर बताऊं तो प्रेफरेंस शेयर्स के दो राइट्स होते हैं। पहला कौन सा राइट्स, मैंने बताया कि उन्हें अपने प्रॉफिट को लेने का पूरा हक होगा, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो। दूसरा क्या होता है कि कंपनी जितना भी पैसा अपने शेयर होल्डर से ले रही है, यदि कंपनी बंद होगी तो वो अपने पूरे पैसे को उस शेयर होल्डर को वापस करेगी। अब हम देखें कि प्रेफरेंस शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप्स होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनको प्रॉफिट देना कंपनी का काम होता है, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, ये डिसाइड किया जाता है उसी कॉन्ट्रैक्ट में जब हम उसके शेयर होल्डर बनते हैं। जितने भी शेयर होल्डर्स रहते हैं, यदि वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो उनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए किसी साल उस कंपनी को लॉस हुआ तो उसको शेयर होल्डर को प्रॉफिट तो देना है, तो वो उस साल नहीं भी दे रही है तो उसको अगले साल यानी इस साल प्लस नेक्स्ट ईयर का, दोनों ईयर का उसको अपना प्रॉफिट उसको देना होगा। दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं, इनके जस्ट उल्टे। नॉन क्यूमुलेटिव को क्या होगा, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जितना प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, उसको जो डिविडेंड देने का कंपनी ने बोला है, सिर्फ वही डिविडेंड उसको दिया जाएगा। पर यदि कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी उसको प्रॉफिट नहीं देगी। ये होता है नॉन क्यूमुलेटिव। तीसरा होता है हमारा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, कई बार कंपनी जो भी अपना प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, कई बार उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो जाता है, तो उसका जो मेन प्रॉफिट होता है उसके अलावा जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, तो मेन प्रॉफिट एंड जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, इन दोनों प्रॉफिट का कुछ परसेंट वो अपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेगी। नेक्स्ट इसके क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से शेयर होल्डर होते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दिया जाएगा, ना कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाएगा, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कन्वर्ट करना मतलब क्या हुआ, हमारे उस शेयर को किसी और शेयर में कन्वर्ट करना। तो कौन से शेयर में कन्वर्ट करेंगे, हमने शुरू में पढ़ा कि दो टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो ऐसे शेयर्स जिनको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कहलाते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और ऐसे शेयर्स जिसको हम प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों ही शेयर्स जो हैं नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल, ये डिपेंड करता है कि कंपनी आपको दे रही है या फिर नहीं दे रही है। इसके बाद आता है कि हम अपने शेयर्स को कितने फेसेस में कितनी वैल्यूज़ में इशू करते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स एट डिफरेंट वैल्यूज़, सबसे पहला बात आती है कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार यानी सम मूल्य पर, सेकेंड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम यानी प्रीमियम पर, तीसरा इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार यानी सम मूल्य पर। सम मूल्य मतलब क्या हुआ, समान मूल्य, क्योंकि सम मतलब समान, मूल्य मतलब उसका प्राइस। तो जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए एक शेयर 10 रुपये का ख़रीदा है और जब मैं उसको मार्केट में इशू कर रही हूँ तो मैंने 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही इशू कर दिया, तो ये कहलाता है सम मूल्य यानी एट पार वैल्यू। इसमें क्या होता है कि हम जितने का शेयर खरीदते हैं हम उतने पे ही उसको मार्केट में इशू कर देते हैं। दूसरा शेयर कौन सा होगा, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यानी कोई भी बिजनेसमैन होता है वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, जब प्रॉफिट अर्न करता है तो वो अपनी मेन वैल्यू से कुछ ज़्यादा वैल्यू बताता है। अगर हम बाज़ार में भी जाते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या होता है, क्या हमें दुकानदार सेम प्राइस पे सामान बेच देता है, अगर उसने 100 का खरीदा है तो क्या वो हमें 100 का देगा, नहीं देगा, वो क्या करेगा उस 100 रुपये की वैल्यू को या तो 120, 130 या 110
ताकि उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन को वहाँ पर कवर कर सके। इसलिए वो क्या करता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ा कर देता है। तो उसी तरीके से कंपनी क्या करती है, जब शेयर्स को इशू करती है तो अपने मेन वैल्यू से, अपनी फेस वैल्यू से उसको ज़्यादा पर इशू करती है। जैसे कि मैं अगर ये कहूँ कि 10 रुपये का शेयर मैंने 12 रुपये में इशू किया, तो ये जो 2 रुपये का डिफरेंस आया, ये 2 रुपये क्या होंगे, मेरे प्रीमियम के होते हैं। इशू ऑफ शेयर से डिस्काउंट, जैसा कि हमने पढ़ा कि इशू ऑफ शेयर से प्रीमियम में क्या होता है कि जितना शेयर कंपनी ने परचेज किया है उससे ज़्यादा की प्राइस पर उसको बेचा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इशू ऑफ शेयर से डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर से डिस्काउंट में क्या होता है, कोई भी कंपनी अपने कुछ ही शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करती है। क्यों ऐसा, क्योंकि कोई भी कंपनी जितने पे शेयर खरीद रही है उससे कम की प्राइस पे अगर करेगी तो कंपनी को कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो इसलिए जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, जो भी मीटिंग्स की जाती हैं, उस मीटिंग में उन लोगों से पूछा जाता है कि हम कितने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करें। तो आप लोग जब भी क्वेश्चंस करें तो देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10,000 रुपये के इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये एप्लीकेशन, 12 रुपये अलॉटमेंट, अगर 3 रुपये हमारी कॉल्स हैं, तो इन सभी में हमारा डिस्काउंट और प्रीमियम आप देख पाएंगे कि कितने डिफरेंस की वैल्यू है। तो डिस्काउंट में क्या होता है कि कंपनी को कम प्राइस पर उसको बेचना होता है। जैसा कि 10 रुपये का शेयर मैंने खरीदा था और मैंने उसको 8 रुपये में इशू किया, तो ये जो 2 रुपये बचा ये क्या हो गया, मेरा डिस्काउंट हो गया। ये होता है इशू ऑफ शेयर सेट डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं इनके अलावा कि जितने भी शेयर्स कंपनी इशू करती है तो जितने शेयर्स आए और जितने भी शेयर्स बचे उनका क्या होता है, उसके लिए 2 टर्म्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसा कि मैंने आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बताया था कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, जनता से जितना पैसा कंपनी के पास शेयर्स को बेचने पर आया है वो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी। इसका मतलब सब्सक्राइब करने का क्या हुआ, जितने भी एप्लीकेशन मार्केट में इशू किए गए हैं उन सभी का एप्लीकेशन आना मेरा सब्सक्रिप्शन हुआ, है ना। अब बात आती है कि हम अंडर सब्सक्रिप्शन की बात क्या करते हैं। 10,000 में यदि हमारे पास 8,000 की ही एप्लीकेशन आई है तो मतलब अंडर मींस कम, 10,000 से 8,000 आना, यानी मेरे पास कितनी आनी चाहिए थी, 10,000 आनी चाहिए थी, लेकिन आई कितनी, 8,000। ये जो 2,000 है इसको हम या तो नेक्स्ट उसमें इशू कर सकते हैं या फिर वो हमारे पास बची रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ओवर सब्सक्रिप्शन की, जो कि जस्ट उल्टी होगी। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जितना भी मैंने शेयर्स इशू किए हैं, यदि मैंने 20,000 के शेयर्स इशू किए हैं और 25 एप्लीकेशन आई है, तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है ये मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन है। इसके लिए कंपनी क्या करती है, 2 चीज़ करती है, या तो उनको लौटा देती है, जितने भी शेयर्स आए ज़्यादा उनको लौटा देना, या फिर उनको अलॉटमेंट के साथ इकट्ठा रख एडजस्ट कर देना, और या फिर उनको रिजेक्ट कर देना। ये 3 चीज़ कोई भी कंपनी वहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन में करती है, जो कि आप प्रोराटा एनालिसिस करते हैं, जितना पैसा आया, जितना भी सब्सक्रिप्शन मुझे मिला, जितना सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिला उसको मुझे वापस करना है या रिजेक्ट करना है, ये हम प्रोराटा एनालिसिस में करते हैं। अब बात आती है अंडर सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ लिया, यानी हमने वो सारी चीज़ें देख ली कि मेरे पास जनता कितना पैसा दे रही है। लेकिन कई ऐसे डिफॉल्टर्स होते हैं जो मुझे एप्लीकेशन के अमाउंट तो दे देते हैं, लेकिन कई बार अलॉटमेंट की पैसा नहीं देते हैं, कई बार एप्लीकेशन का ही पूरा पैसा नहीं देते। तो कंपनी इस चीज़ के लिए क्या करती है, शेयर फॉरफीचर नाम की एक चीज़ चलाती है। कि शेयर फॉरफीचर में क्या किया जाता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने शेयर्स का पैसा नहीं चुकाते हैं, कंपनी उनसे उन शेयर्स को वापस ले लेती है, जिसे हम जब्त करना कहते हैं। यानी अब आप इस शेयर होल्डर के हकदार नहीं हैं। उसके बाद कंपनी क्या करती है, उसमें 3 चीज़ें चलाती है। सबसे पहला, ये हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है कि यदि आप अपने शेयर्स को पैसा अगर हमें नहीं मिला है तो हम उस पैसे को क्या करेंगे, उस शेयर होल्डर से वापस ले लेंगे। दूसरा ये बोला जाता है कि आप उसको हर 14 दिन के अंदर, उसको हर 14 डेज में आप उसको रिमाइंड कराइए, जो कि मैंने आपको कॉल बताई थी कॉल्ड अप कैपिटल में, कि आप 3 कॉल कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। ये फर्स्ट कॉल कब होगी, फर्स्ट कॉल करने के जस्ट 14 दिन के बाद हम सेकेंड कॉल करेंगे, फिर उसके जस्ट 14 दिन के बाद हम थर्ड एंड फाइनल कॉल करेंगे।
देंगे। थर्ड एंड फाइनल कॉल के बाद हम क्या करते हैं, उस पैसे को, उस शेयर को उस व्यक्ति से जब्त कर लेते हैं, जो कि कहलाती है हमारा शेयर फॉरफीचर। तो आज हमने दोस्तों क्या पढ़ा, आज हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।